हेलो, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह का 9 बज रहा है। तो अभी मैं ना ये जो इनका टिफ़िन था वो निकाल रही थी, तो मैंने सोची कि चलो आज का वीडियो स्टार्ट कर दिया जाए। कल भी वीडियो नहीं गया था। आजकल ना मुझे बड़ा आलस आ रहा है वीडियो बनाने में, पता नहीं क्यों। तो अभी मैं चाय रख रही हूँ हमारे लिए, दोनों जन के लिए, और अभी बच्चों को उठाऊँगी। तो आज ना शनिवार है तो काव्या की क्लास नहीं रहती, दादू की रहती है बस। तो काव्या की सैटरडे और संडे को छुट्टी रहती है, तो उसके तो बल्ले बल्ले हो जाती है। और बस चाय रखने के बाद मैं उन लोग का दूध भी निकाल के रखूँगी, क्योंकि वो भी उठ जाते हैं ना, तो फिर पीने के लिए अच्छा रहता है। वैसे काव्या उठ जाती, दादू नहीं उठता है, दादू को उठाना पड़ता है। तो दूध की मलाई भी निकाल के, और मलाई भी बहुत सारी हो गई है घी बनाने के लिए, तो देखती हूँ शाम को बनाऊँगी। इसको बाहर ही रखूँगी अभी। और ना जब भी इसके पापा घर में रहते हैं इतने टाइम ना, तो हमारा कोई काम नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग उठते हैं और चाय ही पीते हैं, उसके बाद ही जो काम होना है, झाड़ू पोछा जो भी होना है वो होता है। तो सबसे पहले चाय पीते हैं, तभी करते हैं फिर। तो अभी चाय पीने के लिए मुझे करना पड़ेगा ब्रश, और काव्या आ गई है उठ के। तो काव्या जैसे उठेगी ना, उसको दूध चाहिए भाई पहले। तो वो और मैं दोनों लोग अभी ब्रश करेंगे, उसके बाद ही फिर दूध चाय होगी। और अभी दादू को नहीं उठाऊंगी मैं, थोड़ा आराम से उठाऊंगी, क्योंकि फिर तीनों का, उसको भी फिर ब्रश कराओ, फिर उसको दूध दो, तो ना थोड़ा जल्दी जल्दी ही हो जाता है। ब्रश कर लूँ फिर उठाऊंगी। और भाई काव्या को बोल दो कि बेटा आज ब्रश मत कर, तो वो भनक जाती है बिल्कुल। वो बिना ब्रश करे, बिना ना ही ना क्लास अटेंड नहीं करती है। और ये देखो महाराज को अभी उठ रहे हैं, उठाओ ना तब उठता है। कितने ही टाइम उठाओ इसको, ये अपने से कभी नहीं उठता है। और थोड़ी सी अरबी रखी थी, छोटी छोटी थी, तो मैंने उसको पकाने के लिए रखी हूँ। हल्की सी उबाल लो ना तो छिला जाती है आसानी से, नहीं तो फिर जो छोटा छोटा रहता है ना उसका छिलका निकलता नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम होता है फिर छिलका निकालने में। तो उबाली हुई की भी बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। और बस साथ में इन लोग को दूध दे देती हूँ। हेलो दूध, किसको चाहिए दूध? पियो, गरम है, खा लो। आपका भी नीचे जमा होगा बेटा, ये तो सारा बूस्ट। हेलो, देखने में कितनी हंसी आ रही है। और मम्मी गई ना, उसके बाद से हम लोग सोच रहे थे कि खटिया को खोल के रख देते हैं, पर फिर भी दादू के चक्कर में नहीं खोल रहे थे, वो मना कर रहा था। और ये ना पूरे पूरे इसके पार्ट अलग अलग हो जाते हैं, तो रखने में आसानी होती। कहीं भी इसको रख दो, कहीं भी पलंग के नीचे भी रख दो तो कोई दिक्कत नहीं रहता, नहीं तो जो होल्डिंग वाली होती है ना, तो वो फिर रखने में बड़ी दिक्कत करती है। ऐसा बोले कि मम्मी अब मेरी खटिया खोल दी ना।
जगह कम पड़ रही थी ना बेटा हमारे घर में, अच्छा इसीलिए। हाँ दादू का हैप्पी बर्थडे भी आने वाला है ना, तो ये हमारे खटिया के टुकड़े टुकड़े हैं। अब इसको देख के कोई बोलेगा ही नहीं कि खटिया बन खटिया है। टुकड़े टुकड़े कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 आठ है क्या? हाँ ये है, हाँ ये दो है। हाँ रख दो छोटे वाले, नहीं रहेंगे बेटा बड़ा वाला, थोड़ा सा उठा एक साइड छोटा। अभी छोटा वाला अंदर रखेंगे बेटा दीवान में। ये उठा सकती है ये। और अभी मैं यहाँ पे गूथ रही हूँ आटा रोटी बनाने के लिए। तो काव्या को ना अभी नहला दी हूँ मैंने, बाकी दादू को नहीं नहलाई हूँ क्योंकि वो अपने पापा के साथ नहाने वाला है। उससे बोली मैं, पर बोलता है पापा के साथ नहाऊँगा, तो मैंने बोली चलो ठीक है हमारा ही काम कम हो रहा है। तो आटा गूँथने के बाद बस सब्जी और आटा यानी रोटी बाद में बनाऊंगी गर्मा गर्म जब खाएंगे तब, और सब्जी भी, क्योंकि अभी ना अरबी उबल तो गई है पर उसको ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उतने देर में मेरा दाल चावल दोनों बन जाएंगे, और फिर जब नहा वहा के हो जाएगा तो गर्मा गर्म फिर रोटी बनाओ और खाते जाओ। तो ऐसा ही होता है सभी के घर में। तो चलिए फिर मिलते हैं हम थोड़ा टाइम बाद आप लोगों से नहाने वहाने के बाद। तो जब ये यहाँ पे खाली हो गया है ना तो बहुत अच्छा लग रहा है एकदम, तो खाली खाली। तो सबसे अच्छा तो ना बच्चों के लिए हुआ है क्योंकि खाली जगह उनके खेलने के लिए काफ़ी अच्छी है, तो यहीं पे खेल लेंगे। वैसे वो बालकनी में भी खेल लेते हैं, कहीं भी खेल लेते हैं, पर ना क्या था मेन रीज़न कि जगह की कमी थी एक तो, और दूसरा क्या था कि दादू ना हमेशा उस पर लदा ही रहता था। इधर टीवी देखना है, खाना खाए लद गए, टीवी देखते देखते लद गए, वैसे भी दिन भर उसका टीवी चलते ही रहता है, और पढ़ाई वढ़ाई भी करना है तो टेबल पे बैठेगा बैठेगा और आके सो जाएगा। तो इसलिए ना मैंने सोची कि इसको निकाल ही दिया जाए, काफ़ी दिनों से सोच रहे थे हम लोग, पर हमने सोचे कि हो गया अभी ठीक है पड़ा है बच्चों के लिए, तो पूरा रख भी दिए हैं ऊपर। और कोई आते ना तो हम लोग उसको बना लेते हैं, और फिर कोई जाता है तो वैसे ही वाले क्वार्टर में जब से हम आए हैं ना तब से बहुत कम लोग आते हैं, नहीं तो हम सेक्टर ए में थे तो कोई ना कोई आते ही थे। तो चलो मैं जा रही हूँ खाना बनाने किचन में, क्योंकि आज ना मैंने खाना भी कुछ नहीं बनाई हूँ, तो रोटी भी बनाऊँगी और जो अरबी थी वो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की उबाली है वो उसकी सब्जी बनाऊँगी, और दाल चावल बना ली हूँ, तो दाल चावल सब्जी रोटी, और मस्त लग रहा है यहाँ पे, खुला खुला लग रहा है और पानी आ रहा है हल्का हल्का बूंदाबांदी। तो यहाँ पे काव्या खड़ी होके अपना पढ़ाई भी कर सकती है जो भी। ये देखो कपड़े निकले हैं आज, निवार धुलना है, चादर और जो भी खोल वोल सब धोना है, क्योंकि रखना पड़ेगा बिस्तर भी, एक बिस्तर एक्स्ट्रा था ना, और ना जो पर्दा लगा हुआ था सज्जे पे वो भी बहुत गंदा था, तो बस उसको भी धो के रखूँगी मैं। बस अभी जा रही हूँ मैं खाना बनाऊँगी, सब्जी रोटी बना देती हूँ गर्मा गर्म जल्दी जल्दी से, नहीं तो सब लोग भूखे बेचारे परेशान हो जाएंगे। और ये देखो सब्जी फ्राई करने के लिए मैंने, हम लोग ना अरबी की सब्जी बिना मसाले की बनाते हैं, कुछ लोग मसाले वाली भी बनाते हैं, पर हम लोग, मुझे पसंद नहीं है खासकर अरबी की सब्जी मसाले वाली, तो बस हल्दी नमक मिर्च धनिया पाउडर तक मैं नहीं मिलाती हूँ, जितना हो सके टमाटर डाल दो। तो टमाटर डाला है एक बड़ा, और ना थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी मैंने डाली हूँ, तो ना थोड़े से घुया थे ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने सोची कि चलो इतने की तो हो जाएगी दो लोगों को, क्योंकि दादू का ऐसा है कि थोड़ी सी सब्जी से उसका हो जाता है और काव्या को तो लगती ही नहीं है। तो ये देखो कितनी टेस्टी लग रही है ना, बहुत अच्छी लगती है सब्जी। थोड़ा सा इसमें तरी करेंगे तो गाढ़ा हो जाएगा, पकता है 5-10 मिनट पकेगी। नहीं जब भी सोचूंगी कि रोटी का वीडियो मैं ऐड करूँगी वीडियो में रोटी बनाने वाला, तो कभी नहीं भूलती, कभी नहीं।
50 तक ना, ठीक है थोड़ी देर रुको खाना खाना फिर। देखना नहीं फूली, देखो नहीं तो ऐसे गुब्बारा जैसे फूल जाती एकदम। कहा मैं सब्जी बहुत कम खाती है, जैसे आलू आलू खा लेगी बस, वो रस के साथ बिल्कुल नहीं खाएगी क्योंकि उसको ना बहुत तीखा लगता है। क्या हुआ बेटा? लिखेगी ना तो पापा ने बोले हैं बाहर निकाल देना। अभी मैं खाना ला रही हूँ ना, और ये देखिए तरी वाली सब्जी। इधर के लोग ना छील के बनाते हैं, कच्ची छील के बनाते हैं, हम लोग उबाल के बनाते हैं। इसे ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत अच्छी लगती है। और अभी खा रहे हैं हम लोग खाना, आप भी आ जाइए। और ये देखिए दोपहर के टाइम का है, तो जो ये नेवार होती है ना इसको ऐसा लपेट के रखते हैं तो ख़राब नहीं होती है, अच्छी रहती है, एकदम अच्छे से रहती है। मतलब जैसे कपड़े फोल्ड करके रखते हैं तो कपड़े अच्छे रहते हैं ना, उसी तरह। और अभी दोनों भाई बहन सो रहे हैं तो यहाँ मैंने पानी भर दी हूँ, क्योंकि वो उठते हैं ना फिर पानी मांगते हैं, तो फिर ना पानी दो इधर उधर कुछ काम करते रहो, इसलिए पानी में बॉटल भर के रख दो मतलब। तो बस अभी मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए, तो पहले ना पूरा घर व्यवस्थित कर दो फिर सो आराम से, तो चैन की नींद भी लगती है। तो ये वाले जो कंगन है ना, ये स्टोन लगे, ये मैं ना झिंगुर्दा गई थी अभी मंदिर, तो वहाँ से दो सेट लेके आई हूँ, ये वाला एक और एक कांच वाला। तो ये तो प्लास्टिक है इसमें, तो ये चूड़ी के साथ पहनने के लिए। तो दादू बोला कि मम्मी ये चूड़ी पहन लेती हो, नए नए कंगन लाते हो तो नहीं पहनती हो, तो मेरे को ध्यान आया तो मैंने अभी निकाल के पहनी हूँ। बाकी वो लोग सब सो रहे हैं अभी, क्योंकि अभी 4 बज रहे हैं। और ये देखिए ये धूल ढाल के एकदम राउंड राउंड करके रख दिए, अब ये जाएगा अंदर सीधे दीवान में, अब ये निकलेगा जब पता नहीं कब निकलती है। तो ये ना कपड़े वाली है और इतनी पुरानी है, हद से ज़्यादा हमारे सासू माँ के दहेज की है ये नेवार। तो सोचो वो कितने 50-51 साल हो गए उनकी शादी को, तो 51 साल पुरानी है ये। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं कर रही हूँ एंड यहीं पे। तो हाँ एक और चीज़, ये जो था ना मेरा मंगलसूत्र ये टूट गया था, तो फिर मैं खाली चैन पहनती थी, मेरे पास दूसरा नहीं था ये काला वाला। तो वैसे हमारे इधर ना हमेशा इसको पहन के रखते, पर यहाँ पे ना उसका धागा नहीं मिल रहा था, तो फिर मैं बना नहीं पाई थी। वैसे धागा था मेरे पास, मैं ढूंढी नहीं थी, फिर आज मैं पता नहीं क्या ढूंढ रही थी कबर्ड में, तो धागा मिल गया आज नहीं रात में। तो रात में फिर 9:30 बजे, तो 9:30 बजे ही इसको बनाने बैठी, तो आधा घंटे में बन जाता है। इसका नट भी नहीं था तो पीछे मैंने गठान लगा ली है, और काफ़ी अच्छा लगता है इसको पहनो तो। और ये मैं हमेशा पहने रखती हूँ, ये चैन तो नहीं पहनती हूँ, यही पहने रहती हूँ बस। पर ये टूट गया था तो चैन पहनी थी। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं कर रही हूँ अकेले एंड आज दादू नहीं है यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।